हरिओम, मेरा नाम अरुण सिंह रेवर ए मेरी वाइफ वर्षावीरा रेवर। हम लोग नाला सोपारा उपासना सेंटर में जाते हैं, ईस्ट में वसे फैक्ट्री ईशा पशंती में ही काम करता हूँ। मैं आज जो आपको अनुभव बताने जा रहा हूँ वो मेरी शादी का है कि जब मेरा शादी हुआ 2010 में, तब बापू का भी मैं देख रहा हूँ कि बापू शादी में जाते हैं, तो वैसे मुझे भी हुआ कि मेरी शादी में भी बापू आए। और बापू तो अपने साथ हमेशा रहते ही है, साथ में ही रहते हैं। वैसे शादी के दिन भी हम लोग ने जो शॉपिंग जो करने की रहती, शादी का जो पहली शॉपिंग, तो हम लोग ने बापू का जो मूर्ति था ना उनका ही पहला शॉपिंग किया। बापू के लिए पहले उपरना, धोती, सब पहले वहाँ से लिया। फिर उनके बाद हम लोग ने हमारे शादी के कपड़े वो सब लेना चालू किया और बापू को कहा कि बापू आपको शादी में आने का है। हम लोग ने कुरुक्षेत्र में नीचे में शादी का पत्रिका रखा था, दादा के पास भी दिया था और हम लोग ने बापू को इनविटेशन दिया था कि बापू आपको शादी में मेरे साथ में रहने का है, बस मेरे साथ में आप चाहिए। फिर शादी वाले दिन जब मेरी बारात निकल रही थी, तब बापू को मेरे साथ में रखा और मेरी बहन बापू का मूर्ति लेके बापू को नचा रही है, बापू को नाच रहे, सब हमारे रिलेटिव वाले भी देख रहे हैं, बोलते ये लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग बोले अरे मेरे बापू खुद शादी में आए हैं और मेरे बापू है मेरे साथ में। जो रथ में मैं बैठा हुआ था, वो रथ में भी बापू को भी मेरे बाजू में बिठाया था और बापू को रहा, बोला बापू आप भी मेरे साथ में रहो। और मेरी शादी जो जहाँ पे हो रही थी, जो स्टेज था, तो वहाँ पे जो महाराज हम लोग को जो शादी का मिला था ना, वो हम लोग को कोई महाराज मिल नहीं रहा था, अवेलेबल नहीं था। इसलिए कोई देवी का जो हमारे गुजराती में जो भक्त था, पर उसने कभी शादी करवाई नहीं थी, तो उसके लिए पहली बारी वो शादी का विधि था, इसलिए वो कागज में सब लिखवा के लाया था। वो बोलता है मैं शादी करवाऊंगा, ये सब पढ़ पढ़ के करा रहा था। तो हम भी बोले बापू को, बाबू अभी आप ही संभाल लो जो भी है, हम लोग ये महाराज को तो कोई नहीं जानते, हम लोग का तो बापू आप ही, ये सब कुछ आप ही देखो, कुछ गड़बड़ हो रही आप संभाल लो। और बापू को भी हम लोग ने बाजू में रखा था और वो जो हम लोग का शादी का जो पद्धति जो होती है हमारे गुजराती में, वो सब क्रिया हो गया, जो मंगल फेरा बोलते हैं वो सब कंप्लीट हो गया, हम लोग घर पे आ गए। और दूसरे दिन वो सब होते हुए रात बहुत हो गई थी, हम लोग भी रात का शादी था इसलिए। फिर दूसरे दिन सुबह हम लोग कुरुक्षेत्रम में दर्शन के लिए जाने का रखा, मेरी वाइफ, मैं और मेरे मौसी, हम लोग के दो तीन जन घर के थे, तो बापू भक्त अपने एक थे, उनकी गाड़ी हम लोग ने बुक किया था। तो वो हम बोले सुबह 9 बजे जाएंगे और जल्दी दर्शन करके रिटर्न आ जाएंगे, क्योंकि घर पे सब मेहमान लोग बहुत जन थे। तो वो गाड़ी वाले को थोड़ा लेट हो गया, वो कुछ 11 बजे आया, वो सुबह आने की जगह थोड़ा लेट आ गया, बोला मेरे को काम आया करके, बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर उनके साथ हम लोग वो ओमिनी गाड़ी में बैठे और हम लोग शादी के जोड़े में थे, मैं और मेरी वाइफ, और कुरुक्षेत्र में आए। कुरुक्षेत्र में जैसे नए शादीशुदा लोग आते, कैसे शरणाई बजाते हैं और जो पूजा होती है वो हम लोग ने किया, ओटी अर्पण किया और दर्शन किया। तभी हमको कहा गया कि बापू बाहर गए और अभी बाहर से आ रहे हैं, तो आपको दर्शन मिलेगा, इसलिए आप लोग इधर साइड में खड़े रहो, जो सिक्योरिटी की केबिन के उनके आगे हम लोग को खड़ा किया, जो बापू का लिफ्ट के वहाँ पे। तो हम लोग तो एकदम यही हो गए कि बापू का दर्शन आज हमको इतना पास से होएगा करके। और हम लोग दोनों जन को हम लोग को वहाँ पे खड़ा किया गया और बापू को इतना पास से, मतलब कल बापू शादी में ही थे मगर बहुत भीड़ की वजह से हम लोग को अच्छे से दर्शन नहीं मिला करके हम लोग वही सोच रहे थे, और हम लोग को आज बापू का दर्शन मिल रहा है, वही हिसाब से हम लोग खड़े थे उधर देख रहे थे। तो उतने में बापू का गाड़ी आया, बापू ने पहले तो गाड़ी में से ही मेरे को देखे ऐसे स्माइल दिया और मैं तो बापू को ऐसे ही देख रहा हूँ, ऐसे मेरे तो आँख में से आंसू आने लगे। हम दोनों पति पत्नी तो ऐसे देख ही रहे बापू को कि क्या हो रहा है। और बापू गाड़ी में से उतरे, उस दिन संडे था, रविवार थी, बहुत यहाँ पे भीड़ भी थी। बापू गाड़ी में से आए और ऐसे हम लोग के सामने ऐसे देखे और मुझे बोलते काय है कदी काय है, ऐसे ऐसे बोलते बोलते बापू हमारे पास में आए। मैं बापू के आँखों में ऐसे एक नज़र बापू के आँखों में देखता ही रहा, बापू को देखता रहा, बापू एकदम प्यार से हमारे तरफ आए और दोनों का सर ऐसे करके बापू ने दोनों को ऐसे आशीर्वाद दिया। हम लोग ऐसे बापू को देख रहे, सिर्फ रो रहे बापू को देख रहे, रो रहे बापू को देख रहे, रो रहे बापू। आहिस्ता 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 पीछे गए और लिफ्ट में जा रहे, तभी तक हम लोग बापू को ऐसे देख ही रहे, एक पत्थर की तरह हम लोग हो गए कि जैसे
कुछ नहीं, बस बापू की आंखें दिख रही है, बापू को देख रहे, बापू को देख रहे। लिफ्ट के अंदर बापू गए, लिफ्ट जैसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गए, बापू के चरण ऐसे दिखे, ऊपर गए तब हम लोग को ऐसे होश आया। अरे मैं बोला, अरे अपू ने बापू के चरण स्पर्श लिए ही नहीं। मैं ज्यादा ही अपसेट करने लगा, रोने लगा, मैंने बापू के चरण स्पर्श क्यों नहीं लिए, बापू के चरण स्पर्श क्यों नहीं लिए। फिर हम लोग साई निवास में जब दर्शन को गए, पिपा दादा को सब बात बताया, आपा को बताया, आपा को बोला देखो ना आपा बापू इतने सामने आए, हम लोग को चरण स्पर्श का भी मौका था, वो मैं बापू को ये देखने को नजर ही मैंने हटा पाया और चरण स्पर्श नहीं ले पाया, और मैं चरण स्पर्श नहीं ले पाया। तो आपा बोले, अरे पगले बोलते तूने चरण स्पर्श पेक्षा भी ज्यादा ले लिया बोलता है। जो उन्होंने मेरे को बापू ने जो हाथ से स्पर्श दिया वो तो बहुत ही बड़ा है, बहुत कुछ है। तो बापू ने ऐसे हम लोग को दर्शन दिए और फिर हमारा लाइफ भी एकदम अच्छे से चलने लगा। फिर आपको मेरा अभी एक दूसरा अनुभव बता रहा हूँ जो मेरी बेटी का है। शादी के बाद फिर एक साल के बाद मेरी वाइफ जो प्रेग्नेंट थी, तो 9वां महीना चल रहा था उसका, और हम लोग नाला सोपारा में जो क्लिनिक में हम लोग जो दिखा रहे थे, जो सोनोग्राफी करवा रहे थे, उसमें सब रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे थे। उन्होंने कहा कि सब नॉर्मल होएगा, सब नॉर्मल डिलीवरी होगा, सब बच्चा ओके, सब ओके। फिर 9वां मंथ जब चालू था तब अचानक दिवाली का समय था, नवंबर का, दिवाली मतलब 1 तारीख से शुरू हो रही है और 28 तारीख को रात को मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया, सगा इधर भाई खला ब्रिज के नीचे उसका डेथ हो गया, और दूसरे दिन उसका सब कार्य करने का था, और बाद में दूसरे दिन दिवाली शुरू हो रही थी, इसलिए हम लोग ने 2 दिन में सब कार्य ये किया और ख़त्म करके सब मेहमान लोग को भी हम लोग ने फ्री कर दिया। फिर बाद में 3 दिन के बाद मेरी वाइफ को पेनिंग होने लगा, तो हम लोग हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे हमारा डॉक्टर ने बताया गया कि डिलीवरी जो है वो नॉर्मल नहीं होगी, वो सीजरिंग करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल करने को जाएंगे तो आपके बेटी को, आप बेटा, आपका जो बेबी है उसको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए सीजरिंग करना पड़ेगा। मैंने कहा कि अभी तक तो जितना रिपोर्ट कराया आप बोल रहे हैं नॉर्मल होएगा नॉर्मल, अभी एंड मोमेंट में हम जब लेके आए तब आप बोल रहे हैं कि सीजरिंग करना पड़ेगा, ऐसा क्यों? बोलता नहीं नहीं आपको देखो आपकी इच्छा है ऐसा। तो मैं बोला ठीक है कर दो सीजरिंग। तब मेरी मम्मी ने डॉक्टर को पूछा कि आप सीजरिंग कभी आज करने वाले हैं? तो बोला नहीं अभी तो दो दिन हम लोग रखेंगे, उसके बाद सीजरिंग करेंगे। तो मम्मी बोले कि एक काम करो, हम लोग हमारे पेशेंट को लेके जाते हैं, हम लोग को यहाँ पे नहीं करवाने का, हम लोग बॉम्बे लेके जा रहे हैं। तो बोला ठीक है आपकी इच्छा, ऐसा करके हम लोग ने उनसे, हम लोग को बहुत डराया डॉक्टर ने कि आपको प्रॉब्लम होएगा ऐसे वैसे। मैंने वाइफ को पूछा आपको ज़्यादा पेनिंग कुछ हो रहा है क्या? वो बोलता नहीं मैं एकदम थोड़ी ठीक हूँ बोलते हैं। तो मेरा ठीक है, हम लोग कॉल सेंटर से गाड़ी बुलाया और हम लोग वहाँ से हम लोग वाड़िया के लिए निकले। मम्मी बोले कि वाड़िया में जाएंगे, भले वो अच्छा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे नॉर्मल होएगा ठीक है, सीजरिंग होएगा ठीक है, पर अपन वहाँ पे कराएंगे, अपने को यहाँ पे नहीं कराने का है। ऐसा करके हम लोग निकल गए। मेरा एक फ्रेंड जो है जो जेजे हॉस्पिटल में डॉक्टर है, वो बापू भक्त ही है, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने उनको कहा कि वाड़िया हॉस्पिटल में कोई पहचान का अपने बापू भक्त कोई है डॉक्टर जिससे मैं ऐसे इलाज कराने का, मेरी वाइफ को पेनिंग। तो उसने पूछा पेनिंग ज़्यादा है क्या? मिला नहीं नॉर्मल है। तो वो बोला कि एक काम कर तू सीधा जेजे में आ जा, वहाँ पे भी अच्छे डॉक्टर और ट्रीटमेंट अच्छी होती है। मैं बोला नहीं नहीं उधर ही तो मेरा बड़े भाई को एक सब किया था, हम लोग का हिम्मत नहीं हो रहा वहाँ पे आने का। बोलता नहीं तू कुछ भी, तू बापू पे विश्वास है ना, तू आ जा इधर आ जा, ऐसा हम लोग को उसने किया और हम लोग गए वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे गए तो वो खुद और हम लोग को लेके गया, लेडीज वार्ड में लेके गए। उधर डॉक्टर ने चेक किया मेरी वाइफ को और उन्होंने कहा कि आपको कौन बोला सीजरिंग होएगा, नॉर्मल होएगा और आज रात को ही 10:30 के बीच में नॉर्मल हो जाएगा, और उसको एडमिट कर दिया गया। हम भी बोले ठीक है। फिर बाद में रात को डिलीवरी होने के बाद डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने हमको कुछ बताया नहीं, ना वर्ड में कुछ भी कोई बता नहीं रहे। डिलीवरी हो गई थी, डिलीवरी होके कुछ आधा घंटा हो गया पर हमको बताया नहीं जा रहा है क्या हुआ करके, क्या है बेबी, लड़की हुई, लड़का हुआ, क्या है, वाइफ कैसी है, कुछ भी नहीं पता था। तब मेरे फ्रेंड को मैंने फोन किया, मेरा डॉक्टर लोग कुछ बता नहीं रहे क्या हुआ, जरा आओ ना। तो वो आया और उन्होंने सब पूछा, तो वो बोला कि अरे बेबी जो है ना जो अमुक सेकेंड के अंदर वो रोनी चाहिए, तो वो रोई नहीं है, 15 मिनट के बाद वो बेबी रोई, तेरी बेबी का जन्म होने के बाद 10-15 मिनट के बाद वो रोने लगी, इसके लिए थोड़ा वो लोग टेंशन में आ गए और उसके थोड़ा उसका सोनोग्राफी वो सब करना पड़ेगा। तो बोलते उसके हार्ट में है ना थोड़ा होल है करके। तो मैं एकदम टेंशन में एकदम अपसेस हो गया।
तो वो बोलता है कि लड़की हुई है मगर उसके हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है और वो 15 मिनट रोई नहीं है। वो बेबी को बाहर लेके आए सिस्टर और हम लोग को दिखाया। फिर मैं बापू को बोला ठीक है आई आपकी इच्छा जो हुई ठीक है। फिर बेबी को आईसीयू में लेके गए। आईसीयू में लेके जाने के बाद वो डॉक्टर बोले कि इसका एक सोनोग्राफी करने के लिए रात को लेके जाना पड़ेगा इधर बाजू के वार्ड में। तो डॉक्टर साथ में ही था जो मेरा फ्रेंड और मैं भी था। तो लिफ्ट में बेबी हमारे पास में ही थी मेरे पास। तो उसको मैंने कहा मैं बेबी को उदी लगाऊँ क्या? तो उसने बोला कि ऐसा अलाउ नहीं पर तू कर लगा ले। तो मैंने उदी लिया और बेबी के इधर हार्ट के वहाँ पे लगाया था और वो तलवे में लगाया और बापू को प्रे किया था। फिर बाद में उसका सोनोग्राफी किया वो सब रिपोर्ट करके वापस उसको आईसीयू में बेबी को रख दिया था। फिर बाद में मैं सब तुरंत मैं दादा के क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लिया सुबह दूसरे दिन और दादा के पास गया। मैं दादा को सब बताया तो दादा ने कहा कि बेबी को जो हार्ट में होल है ना उसका टेंशन मत लो। जब पापा बाबू दादा ने कहा ना कि टेंशन मत लो वहाँ ही मेरे बेबी का तो होल ठीक हो ही गया होगा इतना तो मुझे विश्वास आया था। पर बाबा दादा बोले कि जो ये 15 मिनट जो रोई नहीं है ना उसका मुझे टेंशन है उसका मेरे को रिपोर्ट दिखाओ। तब मैं ज़्यादा अपसेट हो गया। मतलब अरे दादा ने ऐसा कहा मतलब क्या हुआ होगा इसका अभी कैसे पूछूँ। फिर बाद में मैं बाहर आया और बाद में नालासोपारा में जहाँ ट्रीटमेंट चालू था इसका बेबी का तो मेरे वाइफ का जहाँ ट्रीटमेंट चालू था वो डॉक्टर को पूछा कि बेबी आधा घंटा जो डिलीवरी के बाद रोती नहीं है 15 मिनट रोती नहीं है तो उसका क्या मतलब क्या होता है उससे। तो बोलता है अरे बोलते हैं तेरे को पता है बोलता है बेबी 10 सेकेंड 12 सेकेंड के अंदर रोनी ही चाहिए तुरंत रोनी चाहिए बोलते हैं। अगर ऐसी नहीं रोती है और तो 15 मिनट मतलब उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं मतलब वो मंद बुद्धि की है। तो मैं तो एकदम शोकी हो गया कि अभी बाप रे क्या करूँ। तो बोलते आपको पहले ही बताया गया था कि सीजरिंग कराओ आपने नॉर्मल के किया ना इसके वजह से ये सब हुआ है। तो मैं कुछ बोला ही नहीं और फिर गुरुवार को बापू के वहाँ पे गया था। मेरी वाइफ तो हॉस्पिटल में एडमिट ही थी। फिर वहाँ पे भी अमुक टाइम पे हम लोग जा सकते थे हॉस्पिटल में। फिर शाम को बापू के वहाँ गुरुवार को आया स्वस्तिक्षेम संवाद हो रहा था। वहाँ पे मैं प्रार्थना कर रहा था मैं बहुत रो रहा था आँख में से पानी भी आ रहा था और बापू को मैंने प्रार्थना किया। मतलब बापू मेरा जो भी कुछ है मेरी बेबी को वो आपकी इच्छा हम एक्सेप्ट है। और होने के बाद फिर दादा को रिपोर्ट दिखाने का था तो 15 दिन के बाद उसका हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज मिला और बेबी को हम लोग को दिया और बोला कि आप उसको सब ऑब्जर्व करना उसका मुंह कभी करती है पलटी कभी मारती है और आप ऐसे चेकअप कराते रहना। और 6 महीने के बाद जो बड़ा उसका ट्रीटमेंट होगा ना उसका एक रिपोर्ट कराया जाएगा उस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा उसका होल पैक हुआ है कि नहीं और ये बेबी कैसी है क्या है। और फिर वो हम लोग लेके गए पहले गुरुक्षेत्र में ही लेके आए गुरुक्षेत्र में लाए पाव पड़े। फिर बाद में दूसरे दिन में वापस दादा के पास रिपोर्ट लेके आया। दादा ने बेबी का रिपोर्ट लिया और मुझे एकदम आश्वासन दे के कहा कि कुछ टेंशन मत ले सब ठीक हो जाएगा। बस इतना सुनने के बाद थोड़ा मुझे अच्छा लगा। मैंने सब छोड़ दिया मतलब जो भी है कुछ। तो 6 महीने के बाद जब उसका रिपोर्ट निकला उसका होल तो गायब भी हो गया था और मेरी बेबी भी एकदम उसका जो बोल रहे थे मन बुद्धि का वो कुछ भी नहीं था सब रिपोर्ट नॉर्मल आए उसका एकदम एकदम बोलेगा तो एकदम क्लीन रिपोर्ट आया। मैं सच में बोल रहा हूँ बापू अंबद कि आपने मेरी बेटी को एकदम ही एकदम ठीक कर दिया मतलब कुछ भी नहीं है। अभी आज की तारीख में वो खुद गजर भी गाती है बापू का ओम साई बोलती है और बहुत मस्त क्यूट है। ये मेरी बेबी है उसका नाम है सुचिता रेवर। जब दादा के पास गए तो दादा को हम लोग ने इसका दर्शन कराया और दादा को पूछा कि दादा इसका हम लोग नाम क्या रखें। तो दादा ने बोला तुम आप 100 पैसे कुछ भी रख दो। मेरा दादा कुछ तो नाम बताए तो बोले नहीं 100 पैसे रखो। घर पे आके हम लोग ने डिसीजन किया अरे दादा ने 100 दिया है तो दादा के नाम से अपूर्ण रखेंगे। उसका नाम फिर हम लोग ने सुचिता रखा तो हम लोग अभी सुचिता से बुलाते हैं। हरिओम करो बापू ने हरिओम करो जय जय करो हरिओम बापू हरिओम हरिओम श्री राम अंबद ने।